देश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी के लोग तो कांपने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के लोगों का भी यही हाल है। उत्तर प्रदेश का मौसम हर रोज रंग बदल रहा है। बारिश ने तो ठंड को और बढ़ा दिया है। लखनऊ में हल्की बारिश और बर्फीली हवा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार से घना कोहरा भी छाया हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में राजधानी समेत 40 से ज्यादा जिलों का पारा और गिरेगा। लखनऊ में बारिश के आसार नहीं है, लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अमेठी, औरैया, एटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, कानपुर, कासगंज, मैनपुरी, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव में गरज चमक का असर दिखाई दे सकता है। कोहरे और शीतलहर को देखते हुए जनजीवन बहुत प्रभावित है, वहीं पशु पक्षी भी इससे अछूते नहीं हैं। जैसे ही धूप का चौंधा दिखाई देता है तो जन आदमी भी धूप में बैठता है और पशु पक्षी भी अपने घोंसलों से बाहर निकल के आ जाते हैं और पेड़ों पे और जहाँ भी उनको धूप दिखाई देती है वहीं आकर के वो बैठ जाती हैं। ये नज़ारा अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, पारा अपने चरम पर है और इस वक्त जो है करीबन 8 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ अलीगढ़ में है, तो ऐसे में शीतलहर और ठठुरन दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में इच्छा ये होती है कि जब जरा सी भी धूप निकले तो पशु पक्षी से लेकर इंसान तक उस धूप की तलाश में बाहर निकल कर आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पार्क में आकर थोड़ी सी धूप लेना चाहते हैं, जैसे पक्षी लेना चाहते हैं, और पक्षी भी अपने बाहर आकर धूप का आनंद ले रहे हैं और इंसान भी मनुष्य भी जो है बाहर पार्कों में आ रहा है और शीतलहर से बचने के लिए धूप का आनंद ले रहे हैं। नज़ारा अलीगढ़ में, ये नज़ारा अलीगढ़ में बहुत ही शानदार आ रहा है कि इधर पक्षी कलरव कर रहे हैं और एक तरफ जो है यहाँ धीमी धीमी मीठी मीठी धूप में हम लोग यहाँ बैठे हुए आनंद ले रहे हैं, तो उससे जो है बहुत राहत मिल रही है सर्दी से। जो जितनी सर्दी पड़ रही है और जिस प्रकार की सर्दी है, ये गलन और ठंड का मौसम है, उसमें जो है बहुत राहत मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंडी हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। शहर से देहात तक कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं फुहारे पड़े, दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग का कहना है कि हवा चलने से कोहरे से राहत मिली है, लेकिन ठंड से राहत अभी नहीं मिलेगी। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी भी ठंड का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी।